अभी हम लोग हैं छिबुआ के उसर में, और मेरे सामने यहाँ पर देख रहे हैं ये है एक्सप्रेसवे जा रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, लखनऊ जाता है, गाजीपुर से लखनऊ जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और ये है पूरा वो मैदान छिबुआ का उसर जिसको बोलते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जगह जगह लगा हुआ है खम्भे लाइन के, और ये बड़े बड़े जो खम्भे जहाज वाले खम्भे होते हैं ये भी इसमें लगा हुआ है। ये जो इसमें से बिजली जाती है, और जितना आप मेरे पीछे का देख रहे हैं पूरा सिवान, और जितनी दूरी आप देख रहे हैं यही वो है, और वहाँ किनारे किनारे जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर गांव है। तो लगभग ये दूरी होगी 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी जिसमें हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ही जब हम लोग कहीं पर बात करने जाते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने वाले जो हम लोग जहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं, हम जब जाते हैं बात करने के लिए तो लोगों का दुख देखते हैं, और हर किसी से हम पूछते हैं कि अगर आजमगढ़ में बनना चाहिए तो कहाँ पे बने, तो लोग एक नाम जो लेते हैं वो यहीं का लेते हैं कि जा करके छिबुआ के उसर में बनाएं। तो हमने सोचा कि चल के छिबुआ का उसर देखते हैं कि उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना संभव है कि वहाँ पर एयरपोर्ट बन जाए। तो यहाँ पर आने वाले लोगों से हम अगर कोई रुकता है तो बातचीत भी करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है और क्या क्या यहाँ पर है, हम आपको एक बार फिर से दिखा दें। यहाँ पर पहले तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, इसके अलावा इतने सारे जो है कि आपको खंभे दिख रहे हैं जो बिजली के गए हुए हैं यहाँ पर, और इसके अलावा ये बड़े वाले खंभे हैं जो स्टेट को जोड़ते हैं, शायद शायद हम कन्फर्म नहीं है, स्टेट वाले ये खंभे हैं जो जाते हैं बड़े बड़े तार इसमें हैं। इसमें आपको कहीं दूर दूर जो घर दिख रहा है वो घर होंगे, हमको लगता है कि या तो ट्यूबवेल होगा या तो कुछ रहने वाला घर होगा। इसमें आपको एक मंदिर दिखता है, मंदिर तो नॉर्मल है, लेकिन ये एक स्कूल आपको दिखता है वहाँ पर, आप देख रहे हैं जहाँ मेरे पीछे उधर में आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सा स्कूल है। हमको लगता है शायद वो कोई IIT या फिर कैसा कुछ निजी करके ये अखिलेश यादव ने शायद इसको बनवाया था, ये वो स्कूल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना ही ये जगह है, और इस जो आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं इसके उधर जाएंगे तो थोड़ी सी जगह मिलेगी, लगभग आधे किलोमीटर की जो जगह है वो ज़मीन आपको खाली मिलेगी। और इसके आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर देखिए उधर में भी घर दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, ये एक ऊसर है, कहेंगे कि ऊसर है, इसमें खेती नहीं होती है, और जगह जगह हमको कुछ ही दिख रहा है। तो ये वाला वो एरिया है जहाँ पर कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो हम दिखा रहे हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसके आगे उधर हम चलेंगे, देखेंगे कि उधर में कितनी ज़मीन पड़ी है। अभी हम लोग चल रहे हैं दिखाने के लिए, यहाँ पर देखिए यही वो रोड जाता है, आप देख रहे हैं कि ये पूरा एरिया है जो जाएगा, अगर मतलब बनेगा, लोग जो बता रहे हैं कि बनना चाहिए यहाँ पर। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर है, और इसके बगल में ये है जो रोड जाता है आजमगढ़, आपको ये चला जाएगा, आजमगढ़ नहीं जाएगा, आजमगढ़ ही जाएगा, आजमगढ़ वाले जो NH 28 है उसमें जाके आपको मिला देगा। तो यही वो जगह है, यही वो एरिया है। हम चाह रहे थे कि एक्सप्रेसवे चल करके दिखाएं ऊपर से, लेकिन यहाँ पर ये कांटे वाले तार लगा है जिसके कारण हम उस पार नहीं जा सकते, तो उस पार हम भी चलेंगे लेकिन दूसरे रास्ते से। अब देख सकते हैं कि यहाँ ऊसर में भी अब धान की खेती होने लगी है, तो गेहूं की खेती भी होती होगी, मतलब लोग ऊसर तोड़ करके उसका जोताई बुआई कर करके अब खेती भी करने लगे। और गांव आप देख सकते हैं कि वो जो आपको हरा हरा दिख रहा है एकदम स्क्रीन पर, वहाँ तक गांव है, जगह तो है, काफ़ी जगह है, लेकिन इसी में बीच बीच में खंभे लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है जो वो है एक्सप्रेसवे। यहाँ पर देखिए अब घर बनने यहाँ से शुरू हो गए हैं, तो हम लोग यहीं से घूम चलेंगे, इतना ही ज़मीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग घूम चलेंगे, और अब हम लोग दूसरी तरफ चलेंगे, देखेंगे कि उधर में कितनी ज़मीन बच रही है, क्योंकि वहाँ पर देखिए कम ही ज़मीन लग रहा है, इधर में ज़्यादा है, खेती भी होने लगी है अब जगह जगह, और ऊसर तोड़ करके, अभी ऊसर ही है, पहले बहुत ऊसर था, अभी कम ऊसर है।
यहाँ पर देखिए ये वो ज़मीनें हैं जिसके बारे में लोग बता रहे हैं, लेकिन इधर की जो भूमि है वो खेती होती है। यहाँ पर देखिए फसल लहला रही है, लेकिन गांव आपको थोड़ा दूरी पे मिलेंगे। दूरी नज़दीकी है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, दूर है लेकिन इधर के मुकाबले नज़दीकी है। और ये यार एरिया आप देख रहे हैं कि ये खाली है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बीच में एक्सप्रेसवे है, किसी चीज़ का और उपाय हो सकता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे का उपाय मुझे नहीं लगता कि है। तो ये मैंने पूरा दिखाया एरिया आपको, इधर में गांव नज़दीकी में है और जो पूरा छुबा का उसर है वो इधर ही है, लेकिन इसके बीचों बीच से ये एक्सप्रेसवे जाता है। तो ऑप्शन जहां की लग रहा है कि ये नहीं है 100% ही, यहां पर एयरपोर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हर एक चीज़ का उपाय है, जिसे खंभे गए हैं उनका उपाय है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे का कोई भी उपाय नहीं है कि कहीं और भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। जो लोग भी कहते हैं कि इसको ट्रांसफ़र करके छिबों के उसर में किया जा सकता है, उनके लिए वीडियो है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कहना है इस एक्सप्रेसवे के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।